नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपका फेवरेट शो एक थी पार्वती लेकर, यानी कि मेरी कामयाबी के पीछे एक थी पार्वती। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि आप सुनते आ रहे हैं कि हर कामयाबी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है। जैसे कोई राम को मानता है, सीता को भी मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राधा को भी मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन पार्वती माता को क्यों नहीं मानते? तो मेरे भी इस कामयाबी के पीछे किसी एक औरत का हाथ है, लेकिन हम आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे और ये जरूर बताऊंगा मैं कि कौन थी मेरी कामयाबी के पीछे जो पार्वती। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी मैं परेशानी देना चाहूंगा, मेरे इस शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरा ये शो हिट जाता है तो मैं जरूर मिलवाऊंगा आपको और जरूर दिखाऊंगा कि ये थी वो पार्वती मेरी कामयाबी के पीछे। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वही कल वाली बात, लड़ाई वाली। तो लड़ाई हुई भी तो आपकी वजह से थी ना। मेरी वजह से क्यों हुई थी? तो ऐसे गवारों की तरफ बढ़ के जाओ तो लोग तो हंसेंगे। हम क्या किसी से वहाँ कुछ बोल रहे थे, अपने बैठे थे आराम से। गवारों की तरफ बढ़ के जाओगे तो लोग तो बोलेंगे ही। तो मैंने उनसे कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा था, हम लोग तो बैठे थे ना। अब बैठे थे तभी ना, अब ऐसे बन के जाओगे लोग तो हंसेंगे। कपड़े पहने थे ना मैंने। तो ऐसे कपड़े पहन के कौन बाहर घूमने के लिए जाता है? तुम्हारा वो झोला ऐसे मुझे पकड़ा दिया जैसे इसमें आलू भरे हुए हैं। अभी बाजार करके आ रहा हूँ, सरसों का साग लेके आ रहा हूँ। उसे पर्स बोलते हैं, उसे झोला नहीं बोलते। छोड़ दो अभी अपने गांव वाले। अब बात एक ही होती है, पर्स मतलब झोला ही तो बोलते हैं। आपकी वजह से लोगों की कितनी सुननी पड़ती है, मुझे कितनी लड़ाइयां करनी पड़ती है। अगर आपने वो तो मुझे रोक कर रखा, अगर मैं चाहता तो उन्हें गांव की देसी मार मारता, जाने भी दो, सबको मार लेता मैं, चारों को अकेला। घर में एक मक्खी तो मार नहीं सकते, उनको मारते तो मैं थी तो निकल गए वो लोग। आप अगर एक बार बोलती ना तो चारों को गांव वाली भाषा में अच्छी अच्छी गालियां देता और देसी मार मारता उनको। गांव वाली 18 भैंस है मेरे घर पे, दूध पिया 18-18 भैंसों का मैंने। अच्छा ठीक है, छोड़ो अब ये सब। काम का बताओ, क्या बोला उसने? बताता हूँ, एक कोई मीटिंग में आज मुझे जाना है। अच्छा, लड़ाई करती रहूंगी या कुछ खाने पीने के लिए भी मिलेगा? अरे नहीं नहीं, अभी बना। किसका फोन था? पता नहीं, वो वैसे ही मतलब काट दिया मैंने आपसे बस। क्यों उठा लेते? फिर बात कब हो रहा है? बार बार फोन क्यों कट कर रहे हैं? आपसे बात करने का मन था तो इसलिए कट कर दिया। सब समझती हूँ मैं, कैसा मन था आपका, जरूर किसी लड़की का फोन होगा। नहीं नहीं, वो एक लड़का था, उसे अपनी पब्लिसिटी करानी थी। अच्छा, नया आर्टिस्ट है तो उसका फोन आ रहा था। तो उठाओ फोन। फिर उठा लूंगा, आपसे बात करने का मन है फिर उठा लूंगा, ये तो फोन आते रहते लोगों के। सब समझ रही हूँ मैं, कैसा मन है आपका, जरूर किसी लड़की का फोन होगा, इसलिए नहीं उठा रहे, बार बार कट किए जा रहे। तो अब देखो मतलब वो क्या, वो बोल रही। हाँ बोल रही थी, मुझे पक्का पता था लड़की का ही फोन है। आप मेरे से हमेशा ही ऐसे करते हो, सारी बातें छुपाते हो मेरे से। फोन दिखाओ ना मुझे, अभी चेक करती हूँ मैं। नहीं नहीं, किसी का नहीं, किसी फोन दो वो। हाँ पासवर्ड, पासवर्ड क्यों लगा रखा मेरे अलावा? चेक कौन करता आपका फोन? कोई नहीं करता है। तो पासवर्ड खोलो अभी, चलो फोन देखना है वो। चलो ठीक है, मैं दे दूंगी। बताओ कुत्तों को खाना खिला दिया था? हाँ खिला दिया था सुबह ही, आपके भरोसे नहीं है वो। मेरे लिए भी कुछ खाने को मिलेगा? हाँ ठीक है बनाती हूँ। क्या क्या खाना है आपको? दाल कड़ी चावल। ठीक है, पर याद रखना 1 घंटे में वापिस आ जाना। ठीक है बनाती हूँ। मैं चलता हूँ फिर मीटिंग के लिए। अरे ये क्या ले लिया आपने? क्या आप ही ने तो कहा अपने आप को बदलो, अब तो मैंने अपने आप को बदल लिया है, मॉडल हो गया हूँ मैं, आज के जमाने के साथ चल रहा हूँ मैं। ये लेडीज पर्स उठा के आप साथ चल रहे हो? जब आप साथ में होती हैं तो भी तो मेरे हाथ में देती हैं पकड़ने को। वही तो, तब मैं होती हूँ ना साथ में। तो शाम को बाजार करके आ जाऊंगा ना, इसमें सब्जी भी ले आऊंगा। अब ऐसे जाओगे फिर लोग मजाक उड़ाएंगे। क्यों नहीं समझ रहे हो, ऐसे करो मेरे कपड़े भी पहन के चले जाओ। आप ही ने तो कहा था अपने आप को चेंज करो, लड़ाई नहीं होगी। छोड़ो,
कुछ नहीं होने वाला आपसे, जो काम करने जा रहे हो वो करके आना बस, और जल्दी आना। ठीक है, चलता हूँ। वो अभी तक आया नहीं तुम्हारा वो प्यारा? आ रहा होगा। अच्छा? अब उसका टाइम होने वाला ना, आ रहा होगा। और मैडम, अगर आपको सस्ते में काम कराना ना, तो एक दो पे समस्या बड़ा बता दी परिवार की। बहुत सस्ते में काम, बड़ा दयालु आदमी है वो, बहुत सीधा आदमी है। अच्छा? हाँ, बस थोड़े उससे प्यार से पेश आ जाओ, कुछ भी करा लो, इतना बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा। मगर वो आ रहा है और मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो अगर मुझे देखता ना भड़क जाएगा। अच्छा, उसे आप प्यार से ही डील करना, अगर प्यार से डील कर उसे कम में कम करेगा वो, कम से कम में। ठीक है, मैं चलता हूँ। आपने मुझे बुलाया काम? हाँ, मैंने आपको कॉल किया था जी। आपके पेपर में मुझे न्यूज़ डालना। क्या करती हैं आप? एक्टर हूँ। क्या बजट है आपका पब्लिक सिटी का? आप कितना लोगे? वैसे तो मैं, मेरी 25,000 रुपये फीस है। 25,000 तो हम नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि हमारे घर के हालात तो कुछ ठीक नहीं है। मैडम, आप फिल्मों में काम करती हैं तो घर के हालात क्यों नहीं ठीक होंगे आपके? और भी तो प्रॉब्लम होते हैं ना। जैसे? मम्मी बीमार है, मम्मी के इलाज चल रहे हैं। चलो तो आप 11,000 कर देना, मैं आपकी अच्छे से पब्लिसिटी कर दूंगा 11,000 में। ठीक है, आपको एडवांस कितना देना पड़ेगा? जो भी हो आप एडवांस दे दीजिए, बाकी आपको जो है रिजल्ट आने के बाद तक। ठीक है मैडम, आपका काम समझो आज से शुरू। ठीक है, मैं चलूँ। ओके, बाय। वो भी आज मजा ही आ गया यार। क्या खाक मजा आ गया? इतने में होगा क्या? रोकी दिमाग लगाना यार। हाँ भाई, तो कुछ हुआ नहीं। ये तो बस थोड़ा सा ही, कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। सोचो सब, सोचो भाई, सोचो। पैसा कहाँ से आए? ए रुको, मैं बस सुनता हूँ। आया समझ में तेरा दिमाग? मेरा भी नहीं आया यार कुछ। रोकी, अरे सोचना क्या भाई, उधर देखो भैया जो आ रहे हैं। अरे भैया जी आइए, थोड़े से। क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं, बस पानी पी रहे हैं थोड़ा सा। आइए भैया, आइए भैया, आइए। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, तुम लोगों की वजह से मेरे घर में डेली कलेश होता है। वो भंगिया थी भैया, ये दारू है, इससे कलेश नहीं होता। मैं नहीं पी, थोड़े तो पी लो यार। ना, वो मना करती है, मैं नहीं पी। अरे भैया, भैया भाभी के डरते हैं इसलिए सब करते हैं। अगर ऐसी बात नहीं है भैया, जोरू के गुलाम नहीं भैया। अगर भाई सिगरेट पिलाया, अभी 2,000 रुपए निकाल के देंगे भैया। हाँ। भैया पिलाएंगे, ऐसी बात नहीं तो भैया बेइज्जती हो जाएगी। देख रो, मेरे पास पैसे नहीं है भाई, बेइज्जती हो जाएगी। इतने क्या का इज्जत? जोरू का गुलाम मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैंने आज 2,000 रुपए कमाए। 2,000 कमाए मैं बताऊंगा ही नहीं। आज तो हमारा छोटा हो जाए। भैया को देना। अरे भैया सिगरेट, भैया सिगरेट, थोड़ी 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 भैया को देना।
ये हुई बात। अब भैया अब तो नहीं डरता हूँ ना मैं। नहीं मेरा भाई किसी से नहीं डरता। अब तो नहीं हूँ ना मैं। किसी से नहीं। पिएगा और पिलाएगा भाई। भैया की गुलाम है भैया। भैया दो बियर और आ जाए। दो बियर और मजा आ जाए। फरमाइश कर दो भैया। लेकिन किसी को बताओगे नहीं ना? नहीं बताओ भैया। विश्वास नहीं है भाई। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भैया एक बात बताओ, ये मोबाइल कितने का लिया? अरे वो तो छोड़ो ये सब। नहीं भैया, भैया महान हो कुछ भी। अरे नहीं मैं, तुम बातें छोड़ो, काम करो। हम गरीबों का सुख दर्द दूर करने वाला भैया हमारा बहुत अच्छा भैया। बहुत अच्छा भैया। मैं मरा नहीं हूँ भैया ना। मैं जिंदा हूँ भैया। दो हजार दिए। एक बोतल लेके आ। ए भाई इधर आ रे। क्या बोतल ला। पैसा भी देता मैं। देखो अभी चल जाओ भाई। पैसा वान में बस। पैसा कहीं भाग रहे थे तेरा? दो हजार का जो पैसा है। पैसा ये पूरा खरीद लेंगे हम लोग। जा 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 जा। ये बात करता है। देख रहा हमारे साथ में कौन बैठा है? मैं भाई। चल भाई ए रोकी निकाल। पैक निकाल। अच्छा मैं चलूं? ठीक है भैया। और घर पे पार्वती को कुछ मत बताना। कुछ नहीं बताएंगे। मैं किसी से डरता भी फोन आ रहा है। फोन घर से छोड़ू को गुलाम नहीं हूँ ना। पार्वती से नहीं डरता। नहीं ठीक है। कोई भाई को छोड़ू को गुलाम नहीं बोले। क्यों मैं आज तो मजा ही आ गया भाई। तो फुल एंजॉय हुआ फुल। लेकिन अब घर पे पता चलेगा पार्वती मामी। अब भैया की हालत भाभी जी खराब कर देगी। हाँ। चंदे आज तो खूब खाया है मेरे जाने के बाद। हैं? खूब खाया है ना? पार्वती 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 क्या है? अरे गेट खोलो मैं आ गया हूँ। नहीं खोलना मुझे। अरे खोल दो बाबा। बाहर ही रहो तुम। हर रोज का नाटक हो रखा तुम्हारा। अरे तुम तो पार्वती हो। नहीं मैं पार्वती। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। हर रोज बिकर आ जाते हो। अरे खोल दो ना। बाहर ही रहो तुम। सुना नहीं तुमने? ठीक है। अरे मैं सोच रहा बेटा अब गेट खोलने आ रहे हैं। अब तो यही